press the bell icon on the YouTube app and never miss. अभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो शिक्षित और बहादुर महिलाओं को, एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी, जिनकी बातें ना राहुल गांधी ना अखिलेश यादव और ना ही उनके भाड़े के टट्टू सुन पाएंगे। तो ये वीडियो काफी दमदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। ये 12 साल की बच्ची के साथ जो ये दूरदर्शा समाजवादी पार्टी के नेता ने किया है और अखिलेश यादव और अवधेश के जिगरी दोस्त ने किया है, सर पे टोपी लगा करके सुन्नते रसूल की दाढ़ी रख करके किया है, इस पर राहुल गांधी जी के मुंह में लेमन जूस चला गया है क्या? अब मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रियंका वाड्रा जी जो नारा लगाती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कुछ भी कर सकती हूँ, गई नहीं वहां पर। अब ये कैसी सिलेक्टिव राजनीति है कि पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में जब मुसलमान लड़की को न्यूड परेड कराया जाता है, उसका गैंगरेप किया जाता है, उसकी मृत्यु की जाती है, तो पूरा विपक्षी दल खामोश हो जाता है। संदेश खाली में जब मांस बलात्कार होता है और वो महिलाएं खुद बाहर निकल करके अपना इंसाफ मांगती हैं, तो भी पूरा विपक्षी दल और कांग्रेस के राहुल गांधी जी जो है वो चुप हो जाते हैं, अखिलेश जी भी चुप हो जाते हैं। ये जो जीत का ढपली और जीत का जो नगाड़ा बजा है 37 सीटों का, ये मैंने उसी दिन कह दिया था कि अब जो होगा वो वहां की 37 सीटों और 37 लोकसभा के क्षेत्र को झेलना तो पड़ेगा ही। आपको याद होगा अंजू जी कि 4 जून को रिजल्ट आया था और 5 जून को एक मुसलमान लड़के ने बाइक पर से एक हिंदू लड़की के ऐस पर हाथ मारा था और 7 जून को एक महिला जो दूध की केतली लेकर के अपने घर रवाना हो रही थी, एक मौलवी साहब ने उसकी साड़ी खोलने की चेष्टा की थी। उसके बाद फिर 28 दिन पहले हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के बरेली गांव से एक मौलाना साहब रिजवान, उन्होंने मस्जिद के अंदर 10 साल की बच्ची का बलात्कार किया था और उनकी बीवी अहलिया रिजवाना, जब वो बलात्कार करता था इमाम रिजवान तो रिजवाना वीडियो कराती थी और उसने अपने स्टेटमेंट पे पुलिस को बोला कि वो वीडियो देखने में उसको मजा आता था। अब ये जो दूरदशा है, ऐसे में जब कानून सख्त होते हैं तो सीधा छाती पीटने वाले खड़े हो जाते हैं संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी कि भैया मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। पर नाज़िया जी, सबसे अहम बात यह है कि ये जो इस मासूम बच्चे की बात करूं अयोध्या वाली, तो आप सोचिए 1.5 महीने से सब कुछ हो रहा था और ये जो मौलाना मोईद खान है, इसके तो एक साथी भी था राजू, ये तो वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल भी कर रहे थे। बच्चे को आपको पता है पिल्स भी दिया गया है बच्चा गिराने के लिए, पिल्स दिया गया है उसको बच्चा गिराने के लिए, और वो जब भी चीखती चिल्लाती थी तो उसको यही कहता था मोईद खान कि अगर तुम इस बात को किसी को भी बताओगी तो वो वीडियो हम वायरल कर देंगे। और आपको ये भी जानकारी में आपके व्यूअर्स को जानना चाहिए कि मोईद खान के घर में जो उस जुरिस्डिक्शन का जो पुलिस स्टेशन था वो उसके घर में चलता था, 2012 से चल रहा था। जी, और वो कल रातों रात वो उठा है और उसने पुलिस चौकी के आला अधिकारियों को कहा है कि राजू के नाम से FIR करके उसको फंसा दो और मुझे कैसे भी करके बचा लो। और उसके बाद योगी जी के डंडे के डर से और सस्पेंड होने के डर से पुलिस ने सोचा भैया कि जो जो मेन आरोपी है उसको तो पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑसिफिकेशन रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट में तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। और जिस हिसाब से 30 दिन तक FIR नहीं हुआ है, ये एक बहुत बड़ी घटना है और ये एक बहुत गलत जगह संदेश जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी को रस्सी कसने का समय आ चुका है, वो और बेहतरीन तरीके से रस्सी कसें तो ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 37 सीटें यादव परिवार के जीतने की वजह से
पुलिस जो है वो दो हिस्सों में बटती हुई नजर आ रही है। और एक और बात, कोई ना भूले इस चीज को कि ये यादव परिवार और समाजवादी पार्टी वो है जो डीसीपी और एसपी को अपने घुटने के बल बैठवा करके सोफे पर से बात करती थी, और ये वही समाजवादी पार्टी है जिस वक्त आजम खान ये कहा करता था अपने कार्यकर्ताओं को कि डरना मत, वोट सिर्फ लेकर आना, पुलिस ऑफिसर से तो तुम्हारा जूता साफ करवाएंगे, ये आजम खान की शब्दावली हुआ करती थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 37 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के भाड़े के टट्टू और कहीं ना कहीं चाटुकारता कार्यकर्ता तो नहीं हो गए हैं पुलिस ऑफिसर? इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर के तबादले की भी जरूरत अब उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। नाजिर जी, आपने जिस तरफ इशारा किया ना कि अगर किसी समाजवादी पार्टी के नेता के घर में 2012 से पुलिस स्टेशन बना हुआ है, तो आप सोचिए कि उसने इस बच्ची के अलावा और कहां कहां अपराध किए होंगे। क्योंकि अगर घर में ही स्टेशन है तो मनमाने तरीके से वो अपनी FIR करवा लेता होगा, और जितने भी वहां पर पुलिस के अधिकारी होंगे या इंस्पेक्टर होगा या पुलिसकर्मी जवान होंगे, वो सब तो फिर इसका मतलब समाजवादी पार्टी से ही जुड़े होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के समय में पुलिस में बड़े पैमाने पर भर्तियां हुई थी और वो सबके सब लोग जो थे वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। अपने जिसे कहते हैं ना भाई भतीजावाद में ही इन्होंने सारी की सारी पुलिस की भर्तियां की थी। तो सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम तो इनका है। देखिए, सबसे पहले योगी महाराज जी को ये समझना पड़ेगा, हालांकि उनका डिपार्टमेंट बहुत खूबसूरत तरीके से काम करता है, कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जितने भी ऑफिसर्स जो अब धीरे धीरे हाई रैंक पर पहुंच चुके हैं, उनके मुंह में पैसे का एक नशा तो लगा हुआ है जो समाजवादी पार्टी ने लगाया हुआ है। रेप होगा, वो समाजवादी पार्टी का नेता होगा, तो उसका उसका कुछ भी कोई भी कानूनी तरीके से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार एक रिकॉर्ड बना रही है और देश विदेश के लोग उनकी तारीफ करते हुए नजर आए हैं, हालिया में हमने जर्मन में देखा है कि जर्मन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की तारीफ हुई है और कहा गया है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन को कैसे रोका जाता है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए। कुछ डेटा है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे जी। उत्तर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया है, ये 2023 और 24 का ही डेटा दे रही हूं मैं। 98.70% केस जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, उसमें इंसाफ महिलाओं को मिला है 98.70%। सिद्धार्थनगर जो उत्तर प्रदेश का ही आता है, जिसमें 799 केसेस दर्ज हुए थे 2023 और अभी तक के अगस्त के 24 तक में, जिसमें से 798 जो अक्यूज्ड है वो जेल की सलाखों के अंदर है और जो विक्टिम है उनको इंसाफ सही से मिला है। इसका मतलब है होता है कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में 99.87% महिलाओं को जो केस दर्ज हुए हैं उनको इंसाफ मिला है। अब आते हैं हरदोई में, डिस्ट्रिक्ट हरदोई में, उसमें 784 केसेस दर्ज हुए थे क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिसमें 1777 जो केसेस है वो डिस्पोज हुए और आरोपी जेल के अंदर है और महिलाओं को इंसाफ मिला है, मतलब 99.61% इंसाफ मिला है। अब आते हैं इटावा डिस्ट्रिक्ट, इटावा जिसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, उसमें 731 रजिस्टर्ड हुए थे क्राइम अगेंस्ट वुमेन केसेस, जिसमें 99.59% डिस्पोज हो गए हैं केस और आरोपी जेल के अंदर है। और औरंगजेब फैन क्लब इसी रिकॉर्ड को डेविस्टेट और रुइन करने के चक्कर में है। समाजवादी पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को फिर से वैसा ही औरंगजेब का कोठा बनाया जाए जैसा पहले होता था। अब आती है तीसरी बात आती है कि समाजवादी पार्टी एक औरंगजेब फैन क्लब है, इस बात से कोई दो राय नहीं है। और कम से कम मैं मुसलमान बेटी इस भारत की, मैं तो इस बात, मेरे सामने अगर अखिलेश यादव खड़ा हो जाए तो शायद जवाब नहीं दे पाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि मोईद खान जो आज धरपकड़ हुआ है, इसने ना जाने कितनी बच्चियों के साथ ये किया होगा, इसने ना जाने कितने बड़े बड़े अपराध किए होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश
में अखिलेश यादव की पार्टी के औरंगजेब फैन क्लब के हिसाब से मोहित खान आरोपी नहीं है और ना ही अवधेश के हिसाब से, क्योंकि क्योंकि इस्लाम के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज है और स्लेव लौंडियां बांदियां कॉन्क्यूबाइन रखना ये मुसलमानों की बहुत पुरानी, सिर्फ मुगलिया नहीं 1450 साल से ये रीत चली आ रही है और इसको चलाने का काम अब भी 77 साल में अब भी शरिया कानून को मनवाने की चेष्टा करे ही जा रहे हैं मुसलमान। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो भी बलात्कार हुआ करते थे उसको शरिया कानून के हिसाब से लिया जाता था और जो बच्चियां क्योंकि प्यूबर्टी हो जाती थी उसका बलात्कार जायज हो जाता था। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।